Very, very good evening, all of you. I'm Dr. Manju Takshak. Welcome you all on our YouTube channel, Bell Landing with Fan. आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस बुक चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर. तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जो आपकी डे टू डे लाइफ से चीजें जो भी आप देखते हैं अपने सराउंडिंग में जो भी देखते हैं उनके बारे में आप सबसे पहले एक्सपेरिमेंट वहीं से लीजिए, उनके बारे में सोचिए. तो यहाँ पे आपको देखना है जैसे मिल्क है, सॉल्ट है, घी है, बटर है, स्पाइसेस है, मिनरल वाटर है, जूस है, ये सारे वो एग्जाम्पल्स हैं जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. तो जब आप उनको मार्केट से बाय करते हैं तो आपके दिमाग में आता होगा कि ये प्योर है या प्योर नहीं है. क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि ये जो इनके पैक्स होते हैं जो भी ये, आप ये देखेंगे इस तरह के, तो उनके ऊपर प्योर लिखा हुआ, यानी कि किसी भी कॉमन पर्सन के लिए प्योर का मतलब ये होता है कि उसमें कोई भी एडल्टरेशन नहीं है, कोई भी मिलावट नहीं है. बट अगर हम साइंस के टर्म में बात कर रहे हैं तो ये जितनी भी हमने चीजें देखी, सोल्ट है, आपका घी है, प्योर मिल्क है, ये क्या है आपके, एक्चुअली दीज आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हेंस नॉट प्योर. जैसे अगर हम मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क में आपका क्या होता है, वॉटर होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, तो इन सबका मिक्सचर हो गया. जब कोई साइंटिस्ट कहता है कि समथिंग इज प्योर, तो साइंस के टर्म में प्योर का मतलब क्या है कि उस सब्सटेंस के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे एक जैसे होंगे, उनका केमिकल नेचर एक जैसा होगा. जो प्योर सब्सटेंस है इट कंसिस्ट ऑफ है सिंगल टाइप ऑफ द पार्टिकल, ये होता है आपका साइंस के टर्म में प्योर सब्सटेंस का मतलब. अगर हम कहें कि सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर तो वो है आपका प्योर सब्सटेंस. आप अपनी सराउंडिंग में देखिए, वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स. जैसे आपने सी वाटर देखा, मिनरल्स, सोइल्स, ये सब में तो बहुत सारी चीजें हैं. और कोई आप जैसे रोटी ले लीजिए, आप अपना सब्जी ले लीजिए, ये सब क्या है, दीज आर द मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस कंपोनेंट्स. तो ये सब मिक्सचर है. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये मिक्सचर क्या है, अब हम बात करेंगे मिक्सचर की. अभी जैसे हमने बताया कि अगर किसी सब्सटेंस के अंदर, किसी मैटर के अंदर मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है और उनको मिला के जो बनाया गया सब्सटेंस है उसको हम बोलते हैं मिक्सचर. यानी कि जैसे अगर हम बात करें, मान लो आपने वॉटर लिया और वॉटर के अंदर आपने सोल्ट को डिजोल्व कर दिया या शुगर को डिजोल्व कर दिया, तो अब ये जो सॉल्यूशन बना आपका ये क्या है, मिक्सचर है. अभी जैसे हमने बात की थी दूध है, तो दूध के अंदर क्या है आपका, वॉटर के अंदर फैट डिजोल्व है, प्रोटीन डिजोल्व है, तो ये सब क्या है, ये आपका मिक्सचर है. अच्छा अब मान लीजिए आप सोडियम क्लोराइड को वॉटर के अंदर डिजोल्व कर देते हैं, तो क्या इसको फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको ध्यान है क्लास 6th में हमने देखा था इवापोरेशन प्रोसेस से अगर आपने NaCl जो आपका कॉमन सोल्ट है अगर आपने उसको वाटर के अंदर डिजोल्व कर रखा है तो बाय हीटिंग इवापोरेशन प्रोसेस से आप सोडियम क्लोराइड और वाटर को सेपरेट कर सकते हो, यानी कि किसी भी फिजिकल प्रोसेस से आप सेपरेट कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मिक्सचर. अब जैसे सोडियम क्लोराइड है ये अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस है, जब हम केवल NaCl लेते हैं तो वो अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि किसी भी फिजिकल प्रोसेस से जो सोडियम क्लोराइड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते. सिमिलरली अगर आपने शुगर लिया तो शुगर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर केवल एक ही तरह का प्योर मैटर प्रेजेंट है. जैसे शुगर आपका क्या होता है, C12H22O11 आपका शुगर का केमिकल फार्मूला है. वैसे आप देखोगे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन इसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम है. आप शुगर को फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हो. अगर हम बात करें कुछ अदर मटेरियल्स की, आपने एग्जांपल लिया जैसे आप सॉफ्ट ड्रिंक लें, सोयल लें, तो ये क्या आप सोचेंगे ये प्योर सब्सटेंसेस हैं? नहीं. देखिए सोयल के अंदर कितने सारे सब्सटेंसेस होते हैं. सो वट एवर द सोर्स ऑफ ए प्योर सब्सटेंस मे बी इट विल ऑलवेज हैव सम सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. यानी कि जैसे मान लो आपने सोल्ट लिया, सोल्ट का आपने कहीं से भी लिया हो, अगर हम प्योर प्योर NaCl की बात कर रहे हैं तो ये आपका प्योर रहेगा. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी
वो होंगी जो सोल्ट आप कहीं से भी ले लीजिए, बट अगर वो प्योर है, चाहे वो अमेरिका में है, इंडिया में है, ब्रिटेन में है, कहीं से भी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज उसकी सेम होंगी। सिमिलरली आपने प्योर सब्सटेंस कोई दूसरा आप चूज कर सकते हैं, लाइक शुगर, शुगर के जो आपने अगर प्योर लिया है तो सब जगह इसकी प्रॉपर्टीज सेम होंगे। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर के अंदर मोर देन वन प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, मोर देन वन प्योर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं दोनों का जो मिक्सचर होता है, यानी कि दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को आपने मिक्स कर दिया, तो अब जो हमारे पास आएगा उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। जो कंटेंट आपको मिक्स करने के बाद जो कंटेंट मिलता है उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। अगर हम किसी भी मिक्सचर की बात करें तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनका क्या नेचर है, उस बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे टाइप्स ऑफ द मिक्सचर। तो डिफरेंट टाइप्स के मिक्सचर होते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक्टिविटी 2.1 परफॉर्म करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, मान लो क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, हमने उन सारे बच्चों को चार ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ए बी सी डी। क्या करेंगे, ग्रुप ए में आपने क्या लिया, एक बीकर लिया, उसके अंदर ग्रुप ए को हमने एक बीकर दिया, उसके अंदर 50 ml वाटर लिया और उसके अंदर 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड कर दिया। सिंपल सी बात है, बीकर लेंगे, बीकर के अंदर 50 ml वाटर और फिर आपने ऐड कर दिया 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट पाउडर। ग्रुप बी को हम क्या देंगे, अगेन हम एक बीकर देंगे, उसके अंदर 50 ml वाटर, अब यहाँ पे आप 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड करेंगे। अब ग्रुप सी में हम कुछ अलग सब्सटेंस लेंगे, डी में भी अलग लेंगे। जैसे मान लो आपने ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम पर मैग्नेट या कोई भी कॉमन सॉल्ट जैसे सोडियम क्लोराइड एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट टू फॉर्म ए मिक्सचर। यानी कि आपने कॉपर सल्फेट का अलग अमाउंट लिया, 1 स्पैचुला 2 स्पैचुला ना लेकर आपने सपोज करो 3 स्पैचुला ले लिया और डी में आपने 4 स्पैचुला ले लिया, और क्या लिया, कॉपर सल्फेट के साथ साथ कुछ पोटेशियम परमैंगनेट या फिर आपने सोडियम क्लोराइड दिया, सबको मिक्स कर दिया। सबके पास क्या है, कंपोजिशन अलग अलग है। अब आपको ऑब्जर्वेशन जो भी आपकी आएगी कि कलर क्या है, टेक्सचर कैसा है, वो सब ऑब्जर्वेशन की एक रिपोर्ट बना लेनी है। आप क्या सोच रहे हैं, ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेंड अ मिक्सचर विच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। यानी कि आपने वाटर के अंदर 50 ml वाटर लिया, उसके अंदर जब आप कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड करते हैं तो आपका होमोजेनियस सॉल्यूशन बन जाता है। ऐसे ही जब आपने 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट ऐड किया तब भी आपका होमोजेनियस सॉल्यूशन बना, यानी कि पूरे सॉल्यूशन में जो कंपोजिशन थी थ्रू आउट द सॉल्यूशन वो एक जैसी रही। और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द कंपोजिशन एक जैसी रहती है उस मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस सॉल्यूशन। जैसे इसके हम और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने वाटर के अंदर सॉल्ट डिजोल्व कर दिया या फिर आपने वाटर के अंदर शुगर डिजोल्व कर दिया, तो अब मान लो आप किसी स्ट्रॉ से वो वाटर को ड्रिंक कर रहे हो, तो आप स्ट्रॉ में बिल्कुल बॉटम से लीजिए या बीच से लीजिए या ऊपर से लीजिए, सब जगह कंपोजिशन एक जैसी आएगी, आपको जो आपका जो सॉल्यूशन का टेस्ट है वो यूनिफॉर्म रहेगा, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया था, जो चार बीकर लिए थे, अब यहाँ पे आप अपने बीकर जो अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा था उस पे आ जाओ। ये देखो ए और बी दो बीकर थे, दोनों में वाटर का अमाउंट सेम था 50 ml 50 ml। जो बीकर ए था उसमें हमने 1 स्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर डाला था, यानी कि 1 स्पैचुला, और इसमें हमने 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट ऐड किया था। तो अब ये देखिए दोनों ही सॉल्यूशन हमने ये देखा कि होमोजेनियस सॉल्यूशन बने हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस है इंटेंसिटी में, यानी कि अमाउंट में। तो जो कलर आएगा ना सॉल्यूशन का वो दोनों में अलग अलग होगा। तो यहाँ पे जब आप सॉल्यूशन के दोनों ग्रुप में ए और बी में सॉल्यूशन के कलर को नोट करोगे तो आप ये देखोगे कि ये जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन है यहाँ पे जो कलर की इंटेंसिटी है दोनों सॉल्यूशन में वो अलग अलग है। तो इससे क्या पता चला कि भले ही आपका होमोजेनियस मिक्सचर हो लेकिन उसमें कंपोजिशन अलग अलग हो सकती है। कंपोजिशन का मतलब जो आपने सोल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व किया है उसका अमाउंट जो है अलग अलग हो सकता है। अब जब ग्रुप सी और डी की बात करेंगे तो वहां पे तो अलग अलग मिक्सचर है, तो वहां पे जो अलग अलग मिक्सचर है उनको हम फिजिकली डिस्टिंक्ट कर सकते हैं और दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन।
such mixture are called heterogeneous mixture. Group C और D में आपने क्या ऐड किया था? यहाँ पे आपने जो आपने वोटर लिया था उसके अंदर कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या फिर NaCl वो सब मिक्स किया था, तो क्या आपका एक होमोजेनियस मिक्सचर बना? जी नहीं, यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर आपको नहीं मिला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि थ्रू आउट द सॉल्यूशन कंपोजिशन जो है यूनिफॉर्म नहीं है और इस तरह के मिक्सचर को हिट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अगर हम बात करें, मान लो आपने आयरन फाइलिंग्स ने और उनके साथ सोडियम क्लोराइड को मिक्स कर दिया, तो क्या वो मिक्स होंगे? जी नहीं। आपने सोल्ट और सल्फर को मिक्स किया, क्या वो मिक्स होंगे? जी नहीं। अगर आप ऑयल और वाटर को मिक्स करेंगे तो क्या वो एक दूसरे के अंदर मिसिबल होंगे? नहीं होंगे। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? हिट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। अब हम एक और एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटी 2.2। इसमें भी हम वही करेंगे कि स्टूडेंट्स को चार ग्रुप पे डिवाइड करते हैं ए बी सी डी, और अब हम क्या करेंगे, उनको अलग अलग सैंपल देंगे। पहले वाले ग्रुप को हम क्या दे रहे हैं? फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब ग्रुप बी को क्या देंगे कि कॉपर सल्फेट का 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कि ग्रुप ए को भी आपने कॉपर सल्फेट दिया बट आपने कुछ क्रिस्टल्स दिए, ग्रुप बी को भी आप कॉपर सल्फेट दे रहे हो बट यहाँ पर आप दे रहे हो 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। ग्रुप सी को हमने क्या दिया? या तो चौक पाउडर दे दो या फिर गेहूं के आटा दो, हम उसको दे सकते हैं चौक पाउडर और व्हीट फ्लोर। और ग्रुप डी को हम देंगे सम ड्रॉप्स, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक, या तो आपने मिल्क की फ्यू ड्रॉप्स दी या इंक की दी। अब आपको क्या देखना है, आपने चार ग्रुप बनाए, चारों ग्रुप में आप क्या ऐड करेंगे? ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वॉटर एंड स्टिर प्रॉपरली यूजिंग ए ग्लास रोड। तो जो आपने इनको दिया कि कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दिए या फुल स्पैचुला दिया या चॉक पाउडर दिया या मिल्क की कुछ ड्रॉप्स आपने दी, इन सबको वॉटर के अंदर ऐड कर लेंगे और प्रॉपरली स्टिर करेंगे। अब आपको क्या देखना है कि आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल, जो पार्टिकल आपने वॉटर के अंदर डिजोल्व कर दिए क्या वो पार्टिकल अब विजिबल है? अब आपको क्या करना है, पहले तो ये ऑब्जर्व करना है आपके पार्टिकल्स मिसिबल हुए, कंप्लीटली रिजोल्व हुए या नहीं हुए। सेकंड आपको क्या देखना है कि आपको एक बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए टॉर्च उस बीकर में से पास करनी है, डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। आपने बीकर लिया, बीकर में आपका सॉल्यूशन है, उसमें से टॉर्च से आप बीम ऑफ लाइट पास करवाइए और फिर आप फ्रंट से ऑब्जर्व कीजिए। वाज द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट विजिबल, आपके सॉल्यूशन में से आपको बीम लाइट दिखाई दे रही है कि जो लाइट आप उसकी बीम लाइट जो दे रहे हैं टॉर्च से, तो क्या वो आपके सॉल्यूशन से अपीयर हो रही है? अब आपको क्या करना है, चारों बीकर्स को कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब रख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक फिल्ट्रेशन अपरेटस प्रिपेयर कर लेना है और आपको ये देखना है कि इज द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम, क्योंकि आपने तो सॉल्यूशन बनाया था ना, मिक्सचर बनाया था, तो क्या वो मिक्सचर एक जैसा रहता है या फिर आपने जो उसमें पार्टिकल्स ऐड किए थे वो नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो गए। अब कुछ टाइम के बाद आप मिक्सचर को फिल्टर कर लीजिए और उसके बाद आप देखिए कि फिल्टर पेपर पे क्या कुछ रेजिड्यू बचे हैं। अगर आपका सॉल्यूशन मान लो एकदम होमोजेनियस सॉल्यूशन है, कंप्लीटली मिसिबल है, तो ऑब्वियसली फिल्टर पेपर पे आपको कोई रेजिड्यू नहीं मिलेगा, अदरवाइज यू विल गेट सम रेजिड्यू ऑन फिल्टर पेपर। उसके बाद आपका जो भी रिजल्ट आता है, आपकी जो भी ओपिनियन आती है, आप उसको डिस्कस कीजिए। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, ग्रुप ए एंड बी दे हैव गॉट ए सॉल्यूशन, ग्रुप सी को मिलता है सस्पेंशन और ग्रुप डी को मिलता है कोलोइडल सॉल्यूशन। अब ये सस्पेंशन क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियोस में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सेक्शन से क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज मीन्ट बाय ए सब्सटेंस, तो सब्सटेंस आपका क्या होता है? सब्सटेंस आपका मिक्सचर भी हो सकता है, कोई भी प्योर सब्सटेंस भी हो सकता है, यानी कि तो यहाँ पे हम सब्सटेंस को क्या बोलेंगे कि सब्सटेंस कोई भी एक ऐसा मैटर है जिसकी स्पेसिफिक कंपोजिशन होती है, जिसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पे हमने सब्सटेंस का मतलब क्या समझा कि सब्सटेंस इज अ मैटर
which has a specific composition and specific property. Every pure element is a substance. Every pure compound is a substance. जैसे हम बात करें सब्सटेंस के एग्जांपल्स की, तो आयरन एक एलिमेंट है, तो आयरन आपका एक सब्सटेंस है. सेकंड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनियस एंड हिटरोजेनियस मिक्सचर. होमोजेनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म रहती है. जैसे मैंने बताया था कि आपने सॉल्ट को वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया, या आपका शुगर आपने वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया. हिट्रोजीनियस मिक्सचर जहाँ पे जो है कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, जिनकी कंपोजिशन थ्रो आउट एग्जिस्ट नहीं होती है. जैसे आप सैंड को लेंगे और सैंड के अंदर सपोज करो आपने सॉल्ट को मिक्स कर दिया, तो वो जो है हिट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, क्योंकि सॉल्ट आपका उसके अंदर विजिबल नहीं होगा सैंड पार्टिकल्स के अंदर. अगर आप ऑयल एंड वाटर लेते हैं तो ये भी आपका हिट्रोजीनियस मिक्सचर होगा. तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर वेयर कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रो आउट. तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. जय हिंद.